साडे यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट बरिंदर जी, साडे प्रधान जी ने अज आए सुनील जाखड़ जी, पर मैं आस करता कि वह देख रहे हैं। तो अज इत्थे सारे अफसर साहबान, चीफ सैकटरी साहबा और सारे जिन्होंने अज इस जिहड़ा साडा पंजाब मिशन है उहदे विच तुसीं बड़ी देर तो इहदी कामयाबी वास्ते काम करते रहे हो और है भी अज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, उसी दिन से आप लॉन्च कर रहे हैं अपना तंदुरुस्त पंजाब रीवैम्प्ड मिशन जो है। और मैनू सारे महकमे ने जिन्होंने इत्थे हिस्सा पाया उन्होंने मैं धन्यवादी हाँ। तुसीं बड़ी दिलचस्पी नाल अपना काम किया और तुसीं कामयाबी की और आप देख ही रहे हैं जिहड़े कुछ अज आप प्रोग्राम्स लॉन्च भी किए ने, कोई स्टोन अपने फाउंडेशन स्टोन भी रख रहे हैं और कई फिल्मां भी दस्सिया कि कित्थे की कुछ होया। एनवायरमेंट ग्लोबल एनवायरमेंट डे क्यों रखी जाती है, ये क्यों रखी गई सी, क्योंकि पोल्यूशन ग्लोबल वाइज बढ़ रहा सी, लोगों के सेहता पर असर पै रहा सी और सारा हाल यह बन गया सी, बीमारियां बढ़न लग गई सी बहुत। तो यूनाइटेड नेशंस ने वट एवर इट वॉज जिन्होंने सब कुछ ये गल उत्ते डिस्कस हो के गल चुकियां एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक मनिया कि सारे मुल्कों के अपनी आब हवा आप ठीक रखिए ताकि लोगों जी बीमारियां होंदिया ने ना हो। यह तो पहले पातशाही ने सानू कहा किन्ने साल हो गए ने, पवन गुरु पानी पिता माता तत्, धरती पवन हवा और पानी, ये बुनियादी गल्लां सी इह दसियां ने अज पहले पातशाही ने साडी गुरबाणी दे विच है। और आपां आबादी बढ़ती गई, इनवायरमेंट बिगड़ता गया, जंगल कट्टे जा रहे से, ऑक्सीजन लैवल घट रहे से, यह सारा कुछ इहनू देखते हुए ये कदम चुकया गया कि आपां नूं इनवायरमेंट नूं ठीक रखना पऊ। हुण कई गल्लां कीतियां ने पंजाब ने, 10 इशू रिवैम्प मिशन दे विच असीं अज 10 इशू चक रहे हैं। पहला तो साफ हवा, सारे जानते ने अगर आप साफ हवा नहीं रखांगे और आप पोल्यूशन आप बार बार नहीं जावांगे अंदर तो बीमारियां तो होनी होनी ने, फेफड़िया की बीमारियां हो जाए ने, होर किस्म की बीमारियां निकलिया होनी ने, सिर्फ आब हवा ता ही असं कहने हैं कि जी ये आप बाद झोने तो बाद आप फूकते हैं पराली को, यह ना करिए आप आब हवा खराब होंगी है अपने बच्चों के फेफड़िया के जाती है, जब सह लेंगे ने ये नुकसान होंगे अपना। वो एक एक कदम मैं बस दस रहा कि किस किस्म दल हो सकदियां ने जिदे कुछ कदम असं भी चक रहा है ताकि यदा कोई हल कढ़ीए। मैं जानना है किसानों वास्ते मुश्किल है लेकिन किसानों को भी यह सोचना पऊ कि अगली आने वाली पीढ़ी का की हाल होगा अगर अं चलता रहे। कदे कदे तो थोनों इतों 200 गज नहीं नज़र आता, इन्ना धुआं हो जाता है तो उही अपने बिच जाता है। तो ये गल आप सोचना पऊ कि आप अपने आने वाली पीढ़ी वास्ते कैसा आप हालात बना रहे। ता ही मैंने जो पहली पातशाही का गुरपुरब से और फिर नौवें पातशाह का गुरपुरब से असी क्या लोगों को कि दरख्त लगाओ, अगर थोड़े अपने छोटे वेड़े ने छोटा जहा झाड़ी ला दो, छोटी जहा कोई बूटा ला दो, अगर बाड़ी ज़्यादा जमीन है तो बड़े दरख्त ला दो। ऑक्सीजन के बगैर तुसी दुनिया नहीं रह सकती और अगर आप इतने ऑक्सीजन लावे नहीं क्योंकि पंजाब कोई जंगल तो है ही नहीं, आ जंगल ने जो शिवालिक पहाड़ है थोड़ा बहुत या कि बीड़ ने, नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ हल के थले आपने ले लिता, फसल उत्थे हो रही ने। और अगर जंगल नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लैवल नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होगी, असर कि पऊ साढ़े सारी आबादी से। तो ये गल् आप सोचना पऊ ता ही असं क्या कि अपन बूटे लाना पो। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कहा उन्होंने वधाउन, PWD भी कहा सड़कों के नाल लाउन, लोगों को बेनती की सी कि तुसी ये दोनों गुरु साहब के नाच तुसी दरख्त लाओ। और अज आप देखिए नानक बगीची अज एक पिंड ने कितनी सोहनी तरीके अपना किया, अगर सारे ऐ करते रहे आप हालात की बदल सकते पंजाब तो आप सारी समझते इस गल। ये अगर तंदुरुस्त लोगों रहना तो जेडे अपना अडल्ट्रेशन होंगी है, पता नहीं की कुछ आप खरीदते और की कुछ वो है दुध के दे यूरिया होर चीज़ा पा देंगे ने जिद
हालात ही पकड़ते हैं अपने बच्चों के, उन्होंने तंदुरुस्ती जाती है, उन्होंने बीमारियां होने लग जाती ने। कोई कुछ तुम अजकल तुम कुछ भी ले लो, सब कुछ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। और इस करके ये जरूरी सी कि सानू सख्ती करनी पई। पंजाब के इतने जेड़े जेड़े लोग कुछ बनाते हैं खाण खून के उत्थे, ताकि ये काम बंद हो गए पंजाब के, सख्ती करनी पऊ। अगर तुम आप ये लोग नहीं समझते तो फिर उन्होंने कानून के सामने सानू लियाना पऊगा कि यह काम नहीं हो सकता इतने, कि तुम इतने लोगों गलत गल गलत चीज़ा पा के दो खाने वास्ते, कैसे उन्होंने सेहत की असर नहीं तुम सोचते कदे? उन्होंने बच्चों के असर से उन्होंने परिवार के असर तक की हो जाता है, ये नहीं सोचते आप। गवाइया जाने वो घट गई। फिर एक होर तरीका है जिद सेहत पर असर पे। अज तुसी दुनिया वाल अगर आप जैसे बासमती आप भेजते हैं बहरले मुल्क, कोई भी अलाउ नहीं करता कि वो पेस्टिसाइड वो रिजेक्ट हो जाना है। इस क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की सेहत असर पैदा है। आपू अपने लोगों वास्ते भी करना पो, सिर्फ बासमती नहीं, चाहे आप झोना लाइए, चाहे आप इतने कणक लाइए, जो कुछ लाइए, जो आप खरीद आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे सब्जियां लाओ, सब्जियों के आप इन्नी स्प्रे करते हैं, वह भी आप बचा करना पेगा। तो सारिया चीज़ों आप देखना पौ कि आप अगर पंजाब को बचा है और अपने बच्चों की एक नवी जिंदगी देनी है तो सूँ यह करना पेगा।